वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ ऐसी दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आपको करने चाहिए, जो आपके लिए करना ज़रूरी है अगर आप फिटनेस में आगे ग्रो करना चाहते हैं। देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देता हूँ। आप सभी को जैसे पता है कि मैं एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ जिसका नाम है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट। तो भाई जाहिर सी बात है, हर बंदे के दिमाग में ये आएगा कि ये जो कोर्स प्रमोट कर रहा है, जो बता रहा है, वो अपने फायदे के लिए बता रहा है। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है, ठीक है। इसमें कोई नोट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं क्लियरली बोलता हूँ, मेरी ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि सर जो भी बात बोलते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं दो सर्टिफिकेशन बता रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए, उसके पीछे आपको रीजन्स दूंगा। फिर आपके ऊपर है कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए या करने नहीं चाहिए, जो भी आपका है आप देख लेना। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्यों करें हम, अगर बेनिफिशियल है तो क्या बेनिफिट हमें इससे होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर। और फिटनेस के अंदर बात कर रहे हैं, मेन चीज़ है क्या, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी एक्टिविटी, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ आती है आपका, आपकी डाइट, आपका खान पान, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जब आपका अच्छा, अच्छी एक्टिविटी होगी, अच्छा आपकी अच्छी डाइट होगी, अच्छा रेस्ट होगा, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस अच्छी होगी, ठीक है। तो अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सर मार्केट के अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेशन वगैरह है। जैसे आपको मैं कई नाम बता सकता हूँ, जैसे कि सबसे पहले कॉमन सर्टिफिकेशन पर्सनल ट्रेनर हो गई, फिर आपका फिटनेस ट्रेनर हो गई, फिटनेस ट्रेनर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हो गई। फिर इसी तरीके से आपकी और सर्टिफिकेशन वगैरह भी हो गई, जैसे भी ये हो गया। इसके अलावा फिर आपकी और सर्टिफिकेशन हो गई, न्यूट्रिशन के अंदर सर्टिफिकेशन हो गई, ठीक है। फिर आपकी योगा इंस्ट्रक्टर की सर्टिफिकेशन हो गई, फिर आपके पिलाटेस इंस्ट्रक्टर की सर्टिफिकेशन हो गई। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, लेकिन हम कौन सा कोर्स करें, हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, हम ये हमेशा सोचते हैं। देखो, आपको ना हर अकेडमी, हर इंस्टीट्यूट ये बात बोलेगा कि भाई आपको अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है ना, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। जैसी वो बात ये क्लिक होती है आपके दिमाग के अंदर, आपका फिर वो ये दिमाग बंधा हुआ है, आप ये सोचते हो कि सीखते रहने का मतलब है कि पढ़ते रहना, कोर्सेज करते रहना, सर्टिफिकेशन इकट्ठे करते रहना। मेरे भी दिमाग में ये था। जब मैंने अपना ये सर्टिफिकेशन करा था, तो मैंने सोचा मैं कम से कम एटलीस्ट 8-10 सर्टिफिकेशन तो करूँगा, ठीक है, लेकिन क्यों करूँ ये नहीं बताता। मेन चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट क्या है। अब एक मैं आपको बहुत कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। अगर मान लेते हैं, आपको मैंने बोला कि दो ऐसी सर्टिफिकेशन जो आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके अलावा आप जो करते हो आपका एड ऑन होता चला जाएगा। वो भी बताऊँ किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी लाइफ में सीखा वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरी बातें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से इस बात को सुन। सबसे पहले ही सर्टिफिकेशन है आपकी फिट पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन। पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि मैं स्पेशली जो मैं बताता हूँ कि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोई भी कर सकते हैं अभी के टाइम में, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनली वैलिड है और जो उनके पीछे की जो रिसर्च वगैरह है उसमें बहुत पैसा लगता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो साइंस बेस्ड पढ़ते हो, जैसे ACSM, NASP, ESA, ये सारी सर्टिफिकेशन, स्पेशली जो मैं जिसकी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, मैं ACE की प्रिपरेशन कराता हूँ, ACPT की। अब ACPT की प्रिपरेशन कराने का सिंपल सा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज है और सबसे ज़्यादा अपडेट जो होता है वो इस कोर्सेज में होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन हम क्यों करें। जब आप पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन करोगे, जब उसका जब ACE की वेबसाइट पर जाकर या उनका या हमारे से कॉन्टैक्ट करके जब आप कोर्स का करिकुलम देखोगे, जो आपको समझ में आएगा कि भाई इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर देखो, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूँ तो सिंपल लैंग्वेज में आपको सबसे पहले इसके अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आपको इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया जाएगा, फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आपको इसके अंदर ह्यूमन बॉडी के कुछ बायो मैकेनिक्स के बारे में समझाया जाएगा, थोड़ा सा पार्ट न्यूट्रिशन क्या है। इसी तरीके से आपके रोल एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बताया जाएगा, आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाएगा, आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, लीगल प्रोसीजर में अगर फंस जाते उसमें कैसे बचना। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं इसको एक स्किल बेस के हिसाब से देखूँ, तो स्किल बेस के हिसाब से भी सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी है कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके अंदर आपको डिफरेंट स्किल्स समझ में आएंगी, जैसे आपको सारे लोगों की साइकोलॉजी समझ में आएगी, साइकोलॉजी के बारे में जान पाओगे, जैसे बताया न्यूट्रिशन के बारे में जान पाओगे, एक्सरसाइज के बारे में जान पाओगे, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जान पाओगे। अब जैसे अब आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझ में आ जाएगा, तो आप मूवमेंट एनालाइज करना सीख जाओगे। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। जब आप मूवमेंट एनालाइज करना सीख गए, तो आप कोई भी एक्सरसाइज टेक्निक है ना, उसको आप समझ सकते हो कि हाँ भाई ये जो एक्सरसाइज टेक्निक बंदा परफॉर्म कर रहा है, इससे आपको क्या मतलब, ये जो कर रहा है किस मसल को टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक पिलाटे स्टूडियो चले गए
वहाँ पे आपने देखा कि कोई फीमेल या कोई भी मेल कोई वही प्लाटे मशीन पर वर्कआउट कर रहा है। प्लाटे की जो मशीन होती है बहुत डिफरेंट होती है, प्लाटे आज के टाइम में एक ट्रेंडिंग तरीके का ट्रेनिंग पैटर्न है, ठीक है। लेकिन आप जब देखोगे भाई ये वर्कआउट कर रहा, आप प्लीज इजिली एनालाइज करके बता दोगे भाई ये मसल ट्रेन हो रही है, भले आपने उस मशीन कभी यूज ना करी हो, लेकिन आप ये बता सकते हो कि आपने ये यहाँ पर ये मसल ट्रेन हो रही है। तो एक्चुअल में जो बेस है वो है आपका कि आपको ये सारी स्किल्स आने चाहिए। अब आपको चाहिए पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन से ले, चाहे किसी और कोर्सेज से ले, लेकिन ये जो बेस मैंने आपको बताया ये आपको होना चाहिए। तो ACPT इस मामले में बहुत बेटर है। तो पहली सर्टिफिकेशन तो ये होगी कि आप पर्सनल ट्रेनर कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनर कोर्स कर सकते हो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन है जो कि आपका ACE है। अब दूसरी सर्टिफिकेशन सुनना, दूसरी आपकी न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन के केस के अंदर सबसे पहले एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ आप लोग सोचते हो कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशन सेम चीज़ होता है, नहीं, डायटिशियन डिफरेंट होता है, डायटिशियन का पूरा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, डिग्री का प्रॉपर वो होता है, डिग्री मतलब वो डिग्री होती है और उसके अंदर जो स्पेसिफिक जो हमारे इंडिया में जो जो उस पर मेन जो कंसर्न किया जाता है वो स्पोर्ट्स पे नहीं होता, उसके अंदर मेन जो होता है वो हेल्थ हेल्थ के ऊपर होता है कि भाई किसी बंदे की हेल्थ या मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, मतलब कि कोई बंदा डायबिटीज़ है या किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नॉर्मल, उस केस में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप फिटनेस से जुड़े हुए हो तो आपको ऐसी कोई सर्टिफिकेशन या ऐसे कोई कोर्स करना पड़ेगा जिसमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चले, क्योंकि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, जो भी हेल्थ इश्यूज जिन लोगों के हैं, जो अपने मेडिकल इश्यूज हैं, उनको तो आप डाइट प्लान दे ही नहीं सकते, मैं रिकमेंड ही नहीं करता, ठीक है। इस केस में आपको अपनी विल पावर या अपनी चॉइस है आपकी कि आप वो उनको हेल्प करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि मैं इस कैपेबल हूँ। अदरवाइज आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप फिटनेस हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हो तो बिल्कुल स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस होनी चाहिए जो कि एक अच्छी हेल्थ और फिटनेस के लिए आई है, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बस। अब इस केस में क्या होगा, जब आप जब न्यूट्रिशन का कोर्स करोगे इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया, सब आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉलेज हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो बेसिक टर्म्स होती है ना वो समझ में आ चुकी है, जैसे आपने जो स्कूल में नहीं पढ़ा था कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन होता क्या है, तो सारी चीज़ आप समझोगे, आपको पता चलेगा कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन बनता कैसी, सारी चीज़ें। अब आपने मान लेते हैं सब चीज़ें पढ़ ली, अब इस सबको फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट देखोगे उसका आप लेबल आराम से रीड कर पाओगे, उसके बारे में बता पाओगे, अच्छा ये जो फूड प्रोडक्ट है इसके अंदर है क्या, अच्छा आपने देखा कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कुछ नाम लिखा रहा है, डेक्सट्रोज व माल्टोज कुछ भी लिख रखा है, आप समझ जाओगे ये डेक्सट्रोज माल्टोज है क्या, आप कहोगे टाइप की शुगर है, आप शुगर क्या होती है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्रोडक्ट रिव्यू करना सीख जाओगे, अपने क्लाइंट को समझाना सीख जाओगे हाँ भी क्या चीज़ है। तो एक्चुअल में जो बेस अगर आपने क्रिएट कर लिया उसके बाद आपको बहुत हेल्प होगी। अब मान लेते हैं कि सर मैंने पर्सनल ट्रेनर बन गया, मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स कर लिया, अब इसके बाद आप कोई भी स्किल ऐड करते हो तो वो आपके लिए ऐड करना आसान होगी। दूसरा जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर सर्टिफिकेट ही करो, आप उसको यूट्यूब से सीख सकते हो या कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर सकते हो। मेनली कहने का मतलब यह है कि उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेट के पीछे भागो अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इंडिया में मोस्ट ऑफ जो ट्रेनर्स हैं जो कि आपका ट्रेनिंग करा रहे हैं उनके पास मोस्ट ऑफ लोगों का सर्टिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है, उनके पास बेसिक सर्टिफिकेशन नहीं, एक लाइसेंस भी नहीं है। तो एटलीस्ट एक लाइसेंस आपके पास हो उसके बाद उसमें आप स्किल्स ऐड कर सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बनना योगा सीख सकते हो, योगा का कराना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, पिलाटी सिखाना पिलाटी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, वो कराना स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी स्किल्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक सर्टिफिकेशन वो ये है। अब मैंने जैसे न्यूट्रिशन का बताया, न्यूट्रिशन केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ACE न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हो, ACE का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कोर्स। अब मैंने आपको कई बार बताया भी है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कोर्स है, इसको आप कर सकते हो ACPT के बाद, लेकिन आप इसको वैसे भी कर सकते हो, विदाउट ACPT भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना उसमें मिलेगा आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना, वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उस कोर्स को कंप्लीट करने का, ठीक है। लेकिन जब आप CPT करने के बाद जब न्यूट्रिशन करोगे तो आपको सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, पूरा प्रॉपर स्पेशलाइज न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट का। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक्सरसाइज की नॉलेज है और न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है तो भी आप अधूरे हो, आपके पास न्यूट्रिशन की नॉलेज एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं तो भी अधूरे हो अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो सर्टिफिकेशन जो मैंने करी और मैं इसी के थ्रू अपनी स्किल्स डेवलप कर पाया। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँ कि आप ये दो सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो आपको एक बार बस ये बोलना चाहूँगा, आप जाकर चैनल विजिट करना, आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा, हमारा जो मिशन है या हमारा जो इंस्टीट्यूट है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट, उसके बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। और रही बात कि भाई जो लोग पहले से ही मुझे वॉच कर रहे हैं और जो लोग हमारे प्रीवियस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं या फिर अभी नए बैच पर जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को बता देता हूँ, अभी ACPT का 2 सितंबर को बैच स्टार्ट किया था हमने, अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं। अब जो ये वीकेंड आने वाला है, नेक्स्ट वीकेंड 2 सितंबर के बाद, उसमें हमारी क्लास होने वाली है और बहुत बहुत आराम से आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, द्वारा मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं छूटा है। और जो कुछ क्लास में 2 क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें आप दोबारा शुरू से स्टार्ट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है,
अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप वाली वीडियो को देख सकते हो कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो सिंपली आपको मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना है। और अगर आप साथ में न्यूट्रिशन का कोर्स भी ज्वाइन करते हो, और जो हमारे न्यूट्रिशन का कोर्स है उसका नाम है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कोर्स। एक्चुअल में मैं प्रिपरेशन ही आपको किसकी करा रहा हूँ, एज के न्यूट्रिशन कोर्स की। बट फर्क क्या है यहाँ पर, ये जो कोर्स है थोड़ा कस्टमाइज है इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, मतलब ये पूरा प्रॉपर स्किल बेस्ड कोर्स है। अगर आप जानना चाहते हो कि स्किल बेस्ड कोर्स का मेरा मतलब क्या है तो भी आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे। और अगर आप चाहो मुझसे बात करना तो भी आपको मेरे से बात करा देंगे। तो ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको जो देनी थी मैंने आपको बता दी है। सीपीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, अगर अभी ज्वाइन करते हो तो आपको जो प्राइस में बैच स्टार्ट हो उसी में मिलने वाला है, ठीक है। और अगर साथ में न्यूट्रिशन ज्वाइन करते हो जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो, हमने उसका जो टाइम एक्सटेंड कर दिया, 30 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि पहले 2 सितंबर होने वाला था लेकिन वो 30 सितंबर हो गया, तो आपके पास पूरा अच्छा मौका है कि आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, मेरे को अपना फिटनेस में करियर स्टार्ट करना है, तो आप मेरी टीम को आज ही कॉल करिए या उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए, वो आपको कनेक्ट करेंगे और आप उनको अपना बताकर अपना कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज का कंबाइन ऑफर में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जल्द ये टीम को कॉन्टैक्ट करें। एक और चीज़ बता देता हूँ, वो मैंने ये है कि मैंने अभी कोशिश में ये कर रहा हूँ कि एस ऑर्गेनाइजेशन से बात करूँ और मैं उनसे टाई अप करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर दिला सकूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी जो लोग इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको एडिशनल ऑफर भी दिला सकूँ। बाकी देखो आप लोगों के ऊपर, आप जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला, तो डिसाइड करो, आज ही टीम को कॉन्टैक्ट करो मेरी और फिर हम मिलते हैं अपने बैच के अंदर। अभी जो क्लासेज होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अभी आपकी बारी है, देखते हैं काफ़ी लोग कितने लोग ज्वाइन करते हैं और अपनी जो भी आप जो भी करना चाहते हो लाइफ के अंदर, बस मैं चाहूँगा आप उसको अचीव कर सकें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।